मल्टीमीटर से कंपोनेंट्स को कैसे चेक करें? जी हाँ, इस पर मेरे को बहुत सारी कमेंट्स हमेशा देखने के लिए मिलती हैं। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मल्टीमीटर से कंपोनेंट्स को कैसे चेक करें, कंपोनेंट कोई सा भी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे मेरे पास कंपोनेंट्स हैं। अब बारी बारी से बहुत सारे जो बेसिक कंपोनेंट होंगे वो आपको चेक करना सिखाऊंगा, वो भी मल्टीमीटर से बहुत ही आसान तरीके से। क्या आपको पता है मेरे सिखाने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, एक वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना है जो इस फील्ड पे नए हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आप एक गलती करते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं, उससे ये होता है कि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए उसको प्रेस करना ना भूलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स पड़े हैं जिनमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड और बहुत सारे ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी हैं, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर मैं आज टेस्ट करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि उनको टेस्ट किस सेक्शन में किया जाता है और कैसे किया जाता है। उससे पहले मल्टीमीटर में आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ। देखिए, मल्टीमीटर का एसी और डीसी सेक्शन हम छोड़ देंगे क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो दे दूँगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये दो सेक्शन आप देख सकते हैं, 200 और 750, जो यहाँ पर इस तरीके का है, ये एसी का सेक्शन है। तो ये जो आप मार्क देख रहे हैं वोल्टेज के बाद में एसी का मार्क है। तो यहाँ पर आप एसी के सेक्शन को, मतलब एसी की करंट को चेक कर सकते हैं। एसी करंट अल्टरनेटिव करंट जो आपके घर पर आ रहा है उसको आप चेक कर सकते हैं, या फिर किसी भी एसी सर्किट को इस सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। बाकी एम्पियर का सेक्शन है और ये एचएफई बोले तो ये ट्रांजिस्टर का सेक्शन होता है जिसे इस जगह पर चेक किया जाता है। लेकिन इससे भी जो सरल मेथड होता है ट्रांजिस्टर को चेक करने का, वो इस सेक्शन में होता है। यहाँ पर बजर रेंज पे देख सकते हैं, इस सेक्शन में वेव और फ्रीक्वेंसी को चेक किया जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये जो डायोड का निशान है, बजर का निशान है, ये मल्टीमीटर का सबसे मेन पार्ट होता है जिसमें हम कंपोनेंट्स को चेक करने के साथ साथ ही कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं और किसी की भी शॉर्टिंग पता कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। यहीं पर सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा। और वैसे कंप्लीट आपको बता दूँ, ये 200 से लेके 2000 के तक ये रेजिस्टेंस का सेक्शन रहता है। यहाँ पर 200 ओम्स से आप 2000 किलो ओम्स तक की रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए 200 एम से 1000 तक ये डीसी सेक्शन रहता है। यहाँ पर आप बैटरी को चेक कर सकते हैं, किसी डीसी सर्किट में काम कर रहे हैं तो उसकी वोल्टेज को, वैल्यू को वगैरह वगैरह जो है उसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल हमने कंपोनेंट्स चेक करने हैं, तो मेरा फोकस जो रहेगा यहाँ से बजट सेक्शन से रहेगा, ये 2000 के तक, बस ये वाला सेक्शन। अब चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कंपोनेंट सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कौन से चेक करने हैं। फिलहाल बेसिकली मैं डायोड से स्टार्ट करता हूँ, ऐसा कोई सर्किट नहीं होगा जिसमें डायोड ना लगता हो। तो देखिए, बेसिकली डायोड का प्रयोग एसी को डीसी बनाने में भी किया जाता है और बहुत सारे काम डायोड के होते हैं, इसलिए डायोड के बारे में पहले समझना ज़रूरी है। कंपोनेंट की पहचान आपको पता होगी। हाँ, हो सकता है इस वीडियो में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी विजिट कर रहे हो जिन्हें कंपोनेंट की पहचान नहीं होगी, तो उसको मैं यहाँ पर गाइड कर दूंगा। तो ये है डायोड। डायोड में देखिए, सबसे पहले आपको और भी बेसिक तरीके से मैं सिखाने भी कोशिश कर रहा हूँ, टेस्ट करने के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि वीडियो में ऐसे लोग भी विजिट करते हैं जिन्हें कुछ भी जानकारी नहीं होती। डायोड में देखिए, यहाँ पर सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी होती है। देखिए, जो डायोड का मेन काम होता है एसी को डीसी करना होता है। और देखिए, एसी को डीसी करने के साथ साथ ये डायोड का ये जो वर्क होता है ये फॉरवर्ड वाइज होता है, मतलब यहाँ से यहाँ को ये करंट को फ्लो करता है, ये ब्लैक पट्टी से सिल्वर पट्टी की ओर को फ्लो करता है। अगर हम थ्योरी की माने तो थ्योरी में इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव माना जाता है, लेकिन अगर हम इसकी वर्किंग में देखें तो इस जगह पे पॉजिटिव, काफ़ी सारे लोग इस जगह को पॉजिटिव कहते हैं। क्यों? बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम करंट फ्लो पॉजिटिव डालें तो इस तरफ हमें पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना फॉरवर्ड वाइज काम करता है। अगर वहीं पर यहाँ पर हम पॉजिटिव दें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, उल्टा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप फ्लो करते हैं तो इधर पे आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो ये फॉरवर्ड वाइज हमेशा काम करता है। अगर थ्योरी में आपको बता दिया मैंने, पॉजिटिव इसे कहते हैं और नेगेटिव इसे कहते हैं। बाकी अगर प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलने वाला है, ये ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको सिंगल डायोड लगा के ही आपको आगे पॉजिटिव मिल जाएगा। इस बारे में बहुत सारी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, डिटेल बताऊंगा, बाकी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी डायोड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर की प्रोब्स में रेड प्रोब को ब्लैक पट्टी की तरफ और ब्लैक प्रोब को सिल्वर पट्टी की तरफ रखना है। वहाँ पर जो भी उसकी डायोड की वैल्यू रहेगा वो वहाँ पर शो करेगा।
मान लिया जाए अगर डायोड ख़राब होता है या पूरी तरह शॉर्ट हो जाता है, देखिए डायोड कभी भी ख़राब होता है तो एक जंपर की तरह बिहेव करता है, डायोड कभी भी ख़राब होता है या तो फट जाएगा या फिर जंपर की तरह बिहेव करेगा। तो उस वक्त डायोड ख़राब होने के बाद उसमें से बीप बीप की यहाँ पर मल्टीमीटर में हमें सुनाई देगा, बीप बोले तो यहाँ पर फुल शॉर्टिंग, जिसे आप फुल शॉर्टिंग में कंटिन्यू कहते हैं। अब सही रहेगा तो यहाँ पर वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया था मैंने ब्लैक पट्टी की तरफ रेड को रखना है और सिल्वर पट्टी की तरफ यहाँ आपको ब्लैक को रखना है। तो यहाँ सॉरी इस मल्टीमीटर के सेक्शन को मैं बताना भूल गया, हमने बजर पे काम करना था तो यहाँ पर चलेंगे हम। ठीक है चलिए ठीक है फिक्स है। अब यहाँ पर डायोड पे मैं इसको लगाता हूँ, देखिएगा आप। तो देखिए मल्टीमीटर में जो भी इसका वैल्यू रहेगा बताएगा एक तरफ से, बाकी उल्टा करूँगा तो कोई भी वैल्यू नहीं देगा। मैंने जैसे आपको बताया था फॉरवर्ड वाइज काम करता है, यहाँ पर देखिए रिवर्स में कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ से हमने ये पॉजिटिव को यहाँ पर इस तरफ रखा तो रिवर्स में नहीं देगा। अब इस तरफ रखेंगे तो यहाँ से फॉरवर्ड वाइज यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर दे देगा, इसलिए यहाँ पर सर्किट पूरा करने के लिए इसको आपको इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। आप इसका प्रयोग मोबाइल चार्जर वगैरह में और हर चीज़ में किया जाता है डायोड का प्रयोग। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक आईएन डायोड होता है, बाकी एसआरएसएफ जिसे डीसी में यूज़ किया जाता है फास्ट रिकवरी के लिए और फास्ट फास्ट स्विचिंग के लिए। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। आप अगर मेरे पुराने चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उस पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। देखिए बेसिकली समझा रहा हूँ, अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, मेरे समझाने का तरीका लेट होता है इसलिए आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, जल्दबाजी में भी कोई भी नॉलेज ना लें। अब यहाँ पर देखिए ये तो डायोड आपका चेक हो गया, ये तो बिल्कुल ओके है, अगर ख़राब रहता तो ये बीप मारता। नेक्स्ट अभी देखते हैं, कोई ख़राब रहेगा तो आपको उसका भी चेक करवाऊँगा। अब नेक्स्ट जो है कैपेसिटर उठा लेता हूँ। कैपेसिटर देखिए यही वाला उठा लिया मैंने, डीसी कैपेसिटर, देखिए इसे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर का भी यही रूल रहता है, कैपेसिटर को अगर हम चेक करते हैं तो बीप नहीं मारना चाहिए, कुछ वैल्यू आपको दिखा के फिर डाउन हो सकता है। ठीक है कैपेसिटर की मैं कुछ वैल्यू दिखाकर फिर डाउन हो सकता है, फिर वैल्यू स्टेबल भी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहीं पर कैपेसिटर अगर बीप मारता है तो इसका मतलब समझिए कि आपका कैपेसिटर फुली शॉर्ट है। यहाँ पर देखिए दोनों प्रोब्स लगा लिए मैंने, देखिए आपको बताया था मैंने कुछ देर ऊपर उठ के डाउन हो सकता है या फिर एक जगह स्टेबल रह सकता है। अभी ये चार्ज हो पड़ा, अब यहाँ पर देखिए इसको डिस्चार्ज कर लिया, अब देख सकते हैं आप, ये देखिए देखिए चार्ज हो गया फिर डाउन हो गया। तो इस तरीके से कैपेसिटर जो है आपका चेक हो सकता है। देखिए एक बार बीप मारा तो कंटिन्यूटी बीप पूरा कंटिन्यू नहीं मारना चाहिए, एक बार मार सकता है, आपको मैंने ये नहीं बताया लेकिन आप समझ लीजिए एक बार कैपेसिटर बीप मार के बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार अगर ऐसे करके देखिए ऐसे करके होता है तो कैपेसिटर ख़राब मान लीजिए। ठीक है कैपेसिटर वीक होने के बाद इसकी वैल्यू का पता नहीं चल पाता। कभी भी आपको लगे सर्किट में प्रॉपरली कोई भी आपका सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, उस वक्त आपने कैपेसिटर को चेंज करना होगा। कैपेसिटर वीक होने के बाद सर्किट में आपका वोल्टेज डाउन अप डाउन होने की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए ज़्यादातर मिल सकती है, प्रॉपरली सर्किट लोड नहीं ले पाएगा, उस वक्त कैपेसिटर ख़राब होता है या वीक हो जाता है, तब जाके वहाँ पर कैपेसिटर को आपने चेंज करना होगा। तो कैपेसिटर को ऐसे चेक कर लिया, बीप नहीं मानना चाहिए बस टोटल मिला के। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंपोनेंट लेते हैं एक, चलिए जो हाथ मेरे लगेगा वही मैं आपको बता दूंगा। ये है हमारा MOV जिसे हम वेरिस्टर या ZOV भी कहते हैं, फिलहाल इसे MOV ही कहते हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर है और कोई कोई जिंक ऑक्साइड के भी बने होते हैं, तो ये फिलहाल ये मेटल ऑक्साइड का है, तो ये भी कैपेसिटर के ही श्रेणी में आता है। तो कैपेसिटर फिलहाल इसका जो काम होता है सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पर इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको भी ऐसे चेक करेंगे, सारे के सारे कंपोनेंट हमने इस पर मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी रेंज पर चेक करने हैं। बाकी जो रेजिस्टेंस रहेगा ये रेजिस्टेंस का फुल्ली मोड है, पूरा रेजिस्टेंस का ही मोड है, जब रेजिस्टेंस के बारी आएगा तो इधर पे आपको मैं बता दूंगा, फिलहाल हमारा इस पर चल रहेगा। अब ये भी जो कैपेसिटर की श्रेणी में आता है, जो जो भी कैपेसिटर की श्रेणी में आते हैं वो यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, ये वैल्यू नहीं दिखाएगा कुछ भी। ठीक है ये वैल्यू नहीं दिखाएगा, जो MOV होगा जो इस तरीके का कंपोनेंट होगा वो वैल्यू नहीं दिखाएगा। वैल्यू दिखाता है तो वो हाफ शॉर्टिंग या फिर फुल शॉर्टिंग हो सकता है, फुल शॉर्टिंग में बीप मारेगा, हाफ शॉर्टिंग में कुछ वैल्यू दिखाएगा, ये बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। ठीक है इस पर आपने ध्यान देना है, भले उल्टा भले सुलटा, ये देखिएगा। अब यहाँ पर इसको चेक कर लिया, अब नेक्स्ट कैपेसिटर पर चलते हैं, ये भी कैपेसिटर की ही श्रेणी में आता है ये वाला, इसे आप PF कहते हैं, PF, NF, UF और एक और होता है F, मतलब फेरेड, माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड और नैनोफेरेड। क्या होता है इस पर मैं एक वीडियो डिटेल बनाने वाला हूँ, अपने उस दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा उस पर, फिलहाल आपको यहाँ पर टेस्टिंग करना सिखा रहा हूँ तो उसी में ज़्यादा फोकस करूँगा। अब ये भी कैपेसिटर की श्रेणी में आता है तो इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, कोई हाफ शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए,
यहाँ पर देखिए इसमें कोई शॉर्टिंग या फिर हाफ शॉर्टिंग नहीं है, तो ये बिल्कुल ओके है। अगर बीप मारता है इस तरीके से तो समझ लीजिए ख़राब है, या फिर कुछ वैल्यू दिखाता है तो समझ लीजिए ख़राब है। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट रहेगा हमारा, चलिए एक जेनर डायोड को ले लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे जेनर डायोड मेरे पास पड़े हैं अलग अलग साइज़ के, मैं उठा लूँगा तो सभी कंपोनेंट्स लगभग हैं मेरे पास यहाँ, तो आपको दिखा दूँगा बेसिक कंपोनेंट जो भी होंगे आपको बता दूँगा। ये जेनर डायोड है, जेनर डायोड और डायोड बिल्कुल सेम काम करते हैं, लेकिन जेनर डायोड का स्पेशल जो वर्क होता है वो रिवर्सिबल में होता है। जैसे आपको बताया था ना मैंने डायोड में फॉरवर्डाइज काम करता है जो रिवर्सिबल काम करता है। इसके भी बहुत सारे हमारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए इसको ईजाद किया है, इसलिए इसको बनाया गया है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, फिलहाल अभी टेस्टिंग का है तो मैं आपको टेस्टिंग करना ही बताऊँगा। यहाँ पर देखिए डायोड की तरह इसमें भी एक तरफ यहाँ पर रेड पट्टी है और एक आगे ब्लैक पट्टी है, बोले तो यहाँ से यहाँ इसका करंट स्पेशली फ्लो करता है। लेकिन जब इसको हम एज ए रेगुलेटर यूज करते हैं, किसी भी सर्किट में एज ए रेगुलेटर यूज करते हैं, तो स्पेशली यहाँ पर इसका काम क्या रहता है, किसी भी ओवर वोल्ट को रेगुलेट करके वहाँ पर फिक्स वोल्टेज हमारे सर्किट को देना होता है। मान लिया जाए अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है अचानक से वोल्टेज बढ़ जाती है, तो उस पर क्या होता है ना, ये ख़राब होकर एज ए जंपर बिहेव करता है, उस पर मैं वीडियो बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको चेक करना बताता हूँ। यहाँ पर एक तरफ से वैल्यू दिखाएगा, एक तरफ से कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। अगर दोनों तरफ से वैल्यू दिखाता है फिर शॉर्टिंग मारता है तो समझ लीजिए जेनर आपका ख़राब है, बिल्कुल डायोड की तरह ही चेक होगा ये, तो ये जेनर आपका ख़राब है। देखिए यहाँ पर बीप मार रहा है फुल्ली, ये जेनर आपका ख़राब है, फुल शॉर्ट है। और उल्टे थे करके चेक करेंगे इसको, अभी भी कंफर्म आपको बताने के लिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ, मुझे तो पता है ख़राब है लेकिन आपको बता दिए। देखिए दोनों तरफ से यहाँ पर बीप मार रहा है तो जेनर डायोड ख़राब है, आपको बताया था ना जेनर डायोड फुल शॉर्ट होने पे एक एज जंपर बिहेव करता है। चलिए इसको भी चेक कर लिया, इसको भी। अब ये जेनर है मेरे पास, इसमें भी वोल्टेज होता है, ठीक है, ये भी कितने वोल्ट का है क्या वोल्ट है ये सब मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उस चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। अब ये जेनर चेक करते चलिए, ये भी बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, पूरे तरीके से शॉर्ट मार रहा है, ठीक है। उल्टा करके चेक करते हैं तो ये भी ठीक है, ये भी शॉर्ट मार रहा है, ये भी बिल्कुल हमारा ख़राब है। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट रहेगा, चलिए फ्यूज, ये फ्यूज है मेरे पास, इसको चेक करते हैं। तो फ्यूज को सारे कंपोनेंट आपको बताए थे मैंने, इसी ही सेक्शन में हमने चेक करने हैं। सिर्फ जो रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की वैल्यू का, बस यहाँ पे चेक करना है, जो 100 ओम्स तक के रहेगा आप इधर पे चेक कर सकते हैं, वो आपको अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल फ्यूज को चेक करते हैं, ठीक है। फ्यूज को चेक करने का भी यही मेथड रहेगा, देखिए फ्यूज ओके है, ये कम से कम 62 चलिए 61 ओम्स पे स्टेबल है, तो 61 ओम्स का यह आपका फ्यूज है, ठीक है, आपने ध्यान देना ओम्स। कभी भी आप रेजिस्टेंस को या फिर फ्यूज वगैरह को चेक करते हैं तो ये सेक्शन में आपने ओम्स चेक करना है, ठीक है। ये ओम्स का सेक्शन रहेगा और ये एलईडी का सेक्शन है, ये बजर का सेक्शन है, ये डायोड का सेक्शन है, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट वाइज चेक होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको सबसे मेन पार्ट यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर जितना भी दिखा रहा है यह ओम्स में दिखाता है, इतना आप हमेशा याद रखना, कोई भी वैल्यू ओम्स में यहाँ पर दिखाता है। फ्यूज ओके है, अगर ख़राब रहता तो फ्यूज यहाँ पर बिल्कुल बंद होता है यहाँ पर। चलिए एक और मेरे पास, अब रेजिस्टेंस की बारी आ गई, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस में आपको बता दूँ, रेजिस्टेंस पर एक कलर कोडिंग वगैरह और जो भी SMD रेजिस्टेंस उसके ऊपर नंबर लिखा रहता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो दे दूँगा। देखिए यहाँ पर खुरदरे रेजिस्टेंस ज़्यादातर देखेंगे फ्यूजिंग बल्ब के लिए यूज किया जाता है सर्किट पे, जैसे आपने LED बल्ब वगैरह में देखा होगा या मोबाइल चार्जर पे देखा होगा, तो इस तरीके के आपको मिलेंगे खुरदरे टाइप के, जो चिकने रहेंगे उनका जो है अलग टॉलरेंस के हिसाब से इसमें रहता है। फिलहाल आपको इसमें चेक करना दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इसको ऊपर उठाते हैं कहीं पर, यहाँ तक की रेजिस्टेंस की रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेजिस्टेंस, ये आपको कम ओम्स की रेजिस्टेंस में चेक करनी है, बाकी 200 ओम्स से लेके 2000 किलो ओम तक यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं पे शो करना चाहिए रेजिस्टेंस, अगर नहीं करता है, अगर आपको पता है कि कितने ओम्स का है या फिर कितने किलो ओम्स का है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ऐसे ही चेक कीजिए यहाँ तक। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, वैसे आप देख सकते हैं उसको, देखिए ये कितने, देखिए यहाँ पर कोई भी, देखिए कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा। अब यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये है कितने 172 के बोले तो किलो ओम्स का, ये आपका है 172 किलो ओम्स का। एक मिनट, यहाँ पर हाँ यहाँ पर अप डाउन हो रहा है, इसको 180 मान के चलता हूँ क्योंकि अप डाउन हो रहा है 180। एक्यूरेट आप इसे जानना चाहते हैं तो इसकी कलर कोडिंग आपको सीखनी होगी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर कितने किलो ओम्स का है, 180 मान के चलते हैं, ठीक है, 180 किलो ओम्स का है, क्योंकि यहाँ पर के में दर्शाया गया तो किलो ओम्स, ओम्स से ऊपर की क्या है किलो ओम्स, फिर मेगा ओम, गीगा ओम्स, ये सब। वैसे ही नेक्स्ट कंपोनेंट नहीं कहेंगे, ये स्पीकर है, जैसा हेडफोन वगैरह में है ना, स्पीकर को चेक करने का जो है इस तरीके से चेक किया जाता है। तो यहाँ पर
यहाँ पर और यहाँ पर इसको मल्टीमीटर के प्रोब्स को लगाते हैं तो स्पीकर सही रहेगा, तो आपको वहाँ पर ओम्स दिखा देगा इतने ओम्स का है, अगर ख़राब रहेगा तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर चेक करना है, ठीक है, स्पीकर बाकी रेजिस्टेंस के लिए इस सेक्शन में जाना था, मैं गलती से, चलिए अब चेक करते हैं, तो ये ख़राब है स्पीकर। एक और स्पीकर मेरे पास है, बड़ा वाला है, उसको चेक करवा के दिखा देता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पर ये कितने ओम्स का है यहाँ पर दिखा देगा आपको, तो ये आपका कितने ओम्स का है, 4 ओम्स का स्पीकर है, आपने देखा होगा ना कितने ओम्स हो गए इसमें लिखे रहता है, तो ये 4 ओम्स का स्पीकर है। तो अब इस तरीके से स्पीकर भी चेक किया जाता है, अगर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू सोनी करता है या फिर बीप वगैरह नहीं मारता तो स्पीकर ख़राब है, ऐसा मान के चलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर को, एक रेजिस्टेंस और है मेरे पास, ये वाली, इसको चेक करते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा, हल्का सा ऊपर उठाइए, कोई वैल्यू नहीं दे रहा, हल्का और ऊपर उठाइए, देखिए अगर आपको कलर कोडिंग नहीं आती तो ऐसे ही चेक करना होगा, मैंने आपको बताया था कलर कोडिंग आती है तब जाके आपको पता चल जाएगा यार, देखते ही या तो ये तो इतने किलो ओम्स का है, ये सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, फिलहाल आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा, चलिए ऊपर उठा के चेक करते हैं, हाँ ये वैल्यू शो कर रहा है, ये मतलब हमारा है 86-87 पर अटक रहा है, तो चलिए 88 कितना के किलो ओम्स का, ये 88 किलो ओम्स का है, ठीक है, ये है 88 किलो ओम्स का। एक यहाँ पर देखिए एक डायोड है जो फटी हुई है, उसको चेक करते हैं, देखिए इसमें क्या वैल्यू दिखाता है, देखिए यहाँ पर देखिए ये फटी है तो पता ये ख़राब ही है, तो यहाँ पर अंदर से लग, ये देखिए अंदर से ब्रेक हो गई है, अब ब्रेक हो गई है तो यहाँ पर क्या ही वैल्यू दिखाएगा ये, चलिए इसको साइड करते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर एक स्विच है, ये वाला, इस तरीके से आपने देखा होगा ना, पुश स्विच है, अब इसको चेक करते एक मिनट, चलिए ये इसका देखते हैं कहाँ पर है ये देखिए यहाँ पर दोनों से, एक मिनट गलत हो गया, एक तरफ मैं इसको लगाता हूँ और दूसरी तरफ मैं लगाता हूँ ब्लैक प्रोब को, यहाँ पर ये इस तरीके से, और इसको जब पुश करूँगा तब ये बीप मारेगा, देखिए ये देखिए ये देखिए, अगर पुश करके बीप नहीं मारता समझ लीजिए ये स्विच आपका ख़राब है। अब यहाँ पर ये है वॉल्यूम का स्विच, इसको कैसे चेक करें, देखिए यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम का स्विच है, जब आप इसको पूरा बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपको यहाँ पर बीप मारते हुए नज़र आनी चाहिए, मतलब इन दोनों पिंस पे आपको शॉर्टिंग नज़र आनी चाहिए, इन दोनों पिंस पे जब आप इसको फुल करते हैं, अभी लो किया है तो देखिए लो किया है तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बीप मुझे नहीं सुनाई देगी, देखिए कोई भी बीप नहीं सुनाई देगी लो करने में, अब इसको फुल करता हूँ तो यहाँ पर आप सुनेंगे वो देखिए बीप यहाँ पर सुनाई दे रही है फुल करने में। अब इस पिन को और इस पिन को चेक करना है, इस पिन के साइज़ को चेक करना है, तो देखिए फुल करने में इन दोनों में कुछ भी नहीं आएगा, उल्टा होगा इसमें, अब इसमें लो करने में इन दोनों पिन पे आपको सुनाई देगा लास्ट वॉइस में, तो ये आपकी वॉल्यूम स्विच का मेथड रहेगा, लो करने में इन दोनों में कुछ नहीं आएगा, इन दोनों में फुल करने पर आएगा, वैसे ही इन दोनों में फुल करने में कुछ नहीं आएगा, बस लो करने में आएगा, उल्टा रहेगा, वैसे ये अगले ये राइट का है ये लेफ्ट का है, उस तरीके से दोनों को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक माइक की, छोटा सा माइक है ये वाला, जो कि आपने देखा होगा ना हेडफोन या फिर एयरफोन में लगा रहता है, उसको चेक करेंगे, उसको भी यहाँ पर कंटिन्यूटी पे ही चेक करना है, तो इसको चेक करते चलिए, इसके रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक को अटैच करते हैं तो भी पता चलेगा माइक सही है कि ख़राब है, तो यहाँ पर माइक में कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, चलिए उल्टा करके चेक करते हैं, तो यहाँ पर माइक बिल्कुल ओके है, क्योंकि यहाँ पर एक कैपेसिटर भी, हाँ इसमें कैपेसिटर नहीं है, तो यहाँ पर एक तरफ से वैल्यू शो कर रहा है, बिल्कुल ओके है माइक, बिल्कुल आपका ओके है माइक, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, एक एलईडी बल्ब, देखिए यहाँ पर एक एलईडी बल्ब है, इसको चेक करेंगे, देखिए आपको बता दूँ एलईडी बल्ब भी इसी सेक्शन में चेक होता है, ठीक है, एलईडी बल्ब भी इसी सेक्शन में चेक होता है, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी एक डायोड की तरह होता है लेकिन यह लाइट इसमें से आती है, देखिए एलईडी जब भी आप चेक करते हैं तो इसके पॉजिटिव में रेड को नेगेटिव में ब्लैक को रखें तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जलते हुए दिख रहा है, तो ऐसे आप किसी भी एलईडी को चेक कर सकते हैं, अगर नहीं जल रही तो समझ लीजिए आपका एलईडी ख़राब है। हाँ ज़्यादा अगर वो वोल्ट से ऑपरेट होता होगा तो वहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से मल्टीमीटर से लगभग 3 वोल्ट की एलईडी को आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये चेक हो चुका है, इसका मतलब एलईडी हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, हम एक और जेनर डायोड में ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर 2 जेनर डायोड हमारे ख़राब थे, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस जेनर में हमें कुछ वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब ये जेनर बिल्कुल ओके है, उल्टा करके चेक करेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए हमारी, देखिए कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है बिल्कुल ओके है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका एक इंडक्टर है जो कि आपका एलईडी बल्ब पे लगता है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे, देखिए इसमें यहाँ से वायरिंग स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हुई, मतलब इसके दो ही सिरे हैं, वैसे तीन दिए रहते हैं, तीसरा वैसे ही दिया है इसमें, इसको बेस देने के लिए इसको, लेकिन है दो, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हुई। तो इस तरीके से इसको चेक किया, ये ट्रांसफार्मर की शेप में है, तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल बीप मारेगा, ट्रांसफार्मर की शेप में है। तो इसे आप काफ़ी सारे लोग इसे ट्रांसफार्मर समझते होंगे, नहीं दोस्तों ये इंडक्टर कॉइल है, कॉइल है। यहाँ पर कॉइल को हमेशा ऐसे ही आपने चेक करना है दोनों सिरों में, कॉइल हमेशा सीरीज में लगती है आपकी। तो इस तरीके से इसको चेक करेंगे, ये बिल्कुल हमारी ओके है। अब जितने ओम्स की रहेगी वहाँ पर दिखाई गई, इतने ओम्स की है। अब एक और कॉइल दिखा रहा हूँ जो कि इस शेप में है, यहाँ पर ड्रम की शेप में है, ड्रम कॉइल है। तो इसको भी आप ऐसे ही चेक करेंगे बजर की रेंज पे। ये एक मिनट, ये ख़राब रहेगी तो ख़राब यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं देगा, और सही रहेगी तो यहाँ पर वैल्यू दे देगा। चलिए इसको ऐसे चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल ओके है, 35 ओम्स की है, ठीक है, 35 ओम्स की है कॉइल है। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, चलिए इसको भी चेक करते हैं, फटी हुई है फिर भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा, चलिए ऊपर उठा के चेक करते हैं, नहीं दे रहा है, 2000 पे नहीं दे रहा है, 20 किलो ओम पे नहीं दे रहा है, 200 किलो ओम पे नहीं दे रहा है, 2000 किलो ओम पे नहीं दे रहा है। तो ये ख़राब है, पूरी तरीके से ख़राब है, कहीं पर भी हमें शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ख़राब है। आपने इस तरीके के भी PF देखे होंगे, ठीक है, पीको फेराइड बोलते हैं इसको, PF। अब इसको भी आप, ये भी कैपेसिटर की श्रेणी में आता है, ये भी कैपेसिटर ही होता है। इसको PF इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है पीको फेराइड में मापी जाती है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए इसको भी ऐसे चेक करना है, सॉरी इसको इस सेक्शन में चेक करना है। आपको मैंने एक चीज़ बताया था, कैपेसिटर को हमेशा इस सेक्शन में आपने चेक करना है। तो आपको कोई वैल्यू नहीं देना चाहिए, नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए ये आपका बिल्कुल ओके है। हाँ, कुछ वैल्यू देता है या फिर शॉर्टिंग दिखाता है तो समझ लीजिए ख़राब है। और कंपोनेंट्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पर बेसिक जो यही कंपोनेंट्स हैं, हाँ एक चीज़ और है, देखिए एक कंपोनेंट और है मेरे पास, ये चीज़ आपने देखी हुई क्या है, ये चीज़ क्या होती है मैं बता देता हूँ। ये आपको मोटर पे या फिर कुछ ऐसे स्पेशल या फिर इम्पोर्टेड सर्किट बोर्ड पे ऐसे फ्यूज देखने के लिए मिलते हैं, ये इस टाइप के। अब काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा क्या चीज़ है, असल में यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है 250 वोल्ट लिखा हुआ है, ये फ्यूज है। अब इसका यूज मैंने आपको बताया था ना, इम्पोर्टेड सर्किट में यूज किया जाता है। ये फ्यूज कैसी हालत में है अभी पता चल जाएगा। तो ये फ्यूज अंदर से ख़राब हो चुका है, बर्न हो चुका है, ठीक है, ऐसे करके इसको चेक करिए, फ्यूज है, आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। अब देखिए, चलिए आपको मैं अब ट्रांजिस्टर पे ले चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे पास ये जितने भी ट्रांजिस्टर पड़े हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं। यहाँ पर देखिए ये सबसे छोटा वाला है और ये वाला थोड़ा मीडियम साइज़ का, ये बड़ा साइज़ का, और ये सबसे बड़ा जो देखा होगा ना आपने एक्सन कुकटॉप पे, आपने ज़्यादातर देखा होगा, इसे IGBT कहते हैं। ये भी ट्रांजिस्टर के ही अंतर्गत आता है, तो काफ़ी सारे लोग इसे IGBT कहते हैं, काफ़ी सारे लोग इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं, तो आता ही है ट्रांजिस्टर की ही श्रेणी में है। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर, MOSFET, ट्रायक वगैरह जो है ऐसे ही होते हैं, और चेक उनको ऐसे किया जाता है, भले वो MOSFET भी हो तो आप उनको ऐसे चेक करना जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए इस बजर की रेंज पर रख लीजिएगा मल्टीमीटर को, बिल्कुल सेट है। अब ट्रांजिस्टर की तीनों लेग में आपस में हमने कभी भी पहले हमने इन दोनों में चेक करना है, फिर इनमें चेक करना है, इन दोनों में चेक करना है, आपस में कहीं भी शॉर्टिंग नहीं आनी, टोटल मिला के आपस में कहीं भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। कभी कभी होता है ना शॉर्टिंग नहीं भी दिखाती है तो भी ट्रांजिस्टर ख़राब रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपने उस वक्त ट्रांजिस्टर को चेंज कर लेना है। फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, फुली शॉर्ट आपको ट्रांजिस्टर मिलता है तो समझ लीजिए वो ट्रांजिस्टर ख़राब है। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो इसकी फर्स्ट और दूसरी लेग को चेक करते हैं, देखिए ये शॉर्ट आ रही है, मतलब ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। अब यहाँ पर बेस कलेक्टर एमिटर जो होता है इसके जो पूरा डिटेल्स रहेगा, गूगल पे इस ट्रांजिस्टर का नंबर डालिए और वहाँ पे पिन डिटेल्स करके देखिए, वहाँ पर बेस कलेक्टर एमिटर जो भी रहेगा या फिर गेट ड्रेन सोर्स जो भी, ये MOSFET रहेगा तो गेट ड्रेन सोर्स उसका पूरा डिटेल्स वहाँ पर आ जाएगा, PNP NPN क्या है ये सब वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको चेक करना बता रहा हूँ, तो यहाँ पर पहले इन दोनों लेग हमारी शॉर्ट हैं। अब फर्स्ट और लास्ट को चेक करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में शॉर्टिंग नहीं आ रही, बीच और लास्ट में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, इसकी फर्स्ट और दूसरी पिन यहाँ पर शॉर्टिंग है, मतलब कोई भी पिन दो आपस में शॉर्ट हो, भले वो फर्स्ट लास्ट हो, फर्स्ट बीच में हो, लास्ट बीच में हो, कोई भी हो, कोई भी शॉर्टिंग हो, समझ लिए ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो यहाँ पर फर्स्ट दूसरी हमारी शॉर्टिंग आ रही, तो ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है, बिल्कुल मान लीजिए ट्रांजिस्टर ख़राब ही है। अब इसमें चेक करते हैं, देखिए ये वाले चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसकी फर्स्ट और दूसरी, इसमें भी शॉर्टिंग आ रहा है,
तो ये भी हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है। ये देखिए, मतलब इसकी तीनों पिन आपस में शॉर्ट है। ये देखिएगा, अब फुल्ली शॉर्ट है ये ट्रांजिस्टर, फुल्ली शॉर्ट है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर फुल्ली शॉर्ट है, इसको हटा देते हैं। वैसे इसको भी चेक करना, ये तो ख़राब है ही क्योंकि ये फटा हुआ है, फिर भी चेक करते चलिए। इसमें तो कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही, ये फटा हुआ है तो फट के या गल के अलग हो चुका है, इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। चलिए ये तो है ही ख़राब क्योंकि फटा हुआ है। अब IGBT को चेक करते हैं। IGBT को चेक करने का जो तरीका रहेगा वो इस तरीके से, देखिए IGBT की फर्स्ट और लास्ट वाली लेग हमारी शॉर्ट है, बीच वाली भी शॉर्ट है, मतलब IGBT फुल यहाँ पर शॉर्ट है, सारी लेग शॉर्ट है। चलिए एक ट्रांजिस्टर और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है, बिल्कुल सही कंडीशन में है, इसको चेक करते चलिए। देखिए फर्स्ट लास्ट में कोई शॉर्टिंग नहीं, फर्स्ट बीच में कोई शॉर्टिंग नहीं, बीच और इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं। ट्रांजिस्टर में देखिए वैल्यू, हाँ वैल्यू आपको शो कर सकता है कुछ, जो इसकी ओम्स वगैरह रहेगा वो आपको शो करेगा, लेकिन शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए इसमें, शॉर्टिंग आगे समझ लो ये ख़राब है। ये तो बिल्कुल ओके है, बाकी आपको ट्रांजिस्टर चेक करना भी सिखा दिया मैंने। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को इस सेक्शन में चेक करते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अभी भी कोई इसमें कंपोनेंट छूट गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट पार्ट जो मेरा रहेगा SMD कंपोनेंट पे रहेगा। SMD बोले तो आपने छोटे छोटे जो सर्किट देखे होंगे, मोबाइल के सर्किट और ये वाले, देखिए इस सर्किट में देखिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। इसमें आपको जानकारी नहीं होगी काफ़ी सारे लोगों की, इसमें इंडक्टर क्या है, कॉइल क्या है वगैरह वगैरह, जो भी रहेगा, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, जो भी है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा इस पे रहेगा, SMD कंपोनेंट्स पे। इसमें आपको कंप्लीट में गाइड करूंगा कि कंपोनेंट्स जो SMD में रहते हैं उनको कैसे चेक किया जाता है और पहचान कैसे करी जाती है। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक जो अगर हमारा टारगेट पूरा हो गया तो ज़रूर हम इस पे वीडियो बनाएंगे। लाइक का जो टारगेट रहेगा हमारा 200 लाइक से करेगा। आई होप कि आप लोग कर लेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक, तब तक के लिए टेक केयर।